एक्सपीरियंस होगा इस फिल्म में? एक्स जो फिल्म बनी है वो एक फिल्म डायरेक्टर है के, उनके लाइफ पे बेस्ड है. तो उनके लाइफ में कई फीमेल्स आते हैं, उनमें से एक फीमेल मैं हूँ. तो जायज़ है वो फिल्म मेकर है तो एक्ट्रेस भी आएंगी उनके लाइफ में, तो आई एम प्लेइंग एन अपकमिंग एक्ट्रेस. बेसिकली एक रात की घटना है, एक लड़की के साथ उसका मुलाकात होता है एंड दे स्पेंड द होल नाइट टुगेदर. एंड वो लड़की उसको रिमाइंड करता है जितने एक्स गर्लफ्रेंड्स थे उस सब के बारे में. और ये जो डिफरेंट एक्स गर्लफ्रेंड्स है ये सब डिफरेंट छोटे छोटे सेगमेंट्स है, डिफरेंट डायरेक्टर्स ने बनाए हैं. तो द यूनिकनेस ऑफ एक्स इज दैट 11 फिल्म मेकर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, कोई दिल्ली से, कोई बॉम्बे से, कोई चेन्नई से, कोई कैलकटा से, बहुत जगह से फिल्म मेकर्स आके एक फिल्म बनाया है. लेकिन ये जैसे 10 कहानियां आया था कि डिफरेंट स्टोरीज है, वैसा नहीं है. ये एक ही फिल्म है, एक ही स्टोरी है, लेकिन सेगमेंट्स डिफरेंट डायरेक्टर्स ने बनाए हैं. काफी अलग कॉन्सेप्ट है जैसे कि आपने कहा, तो ये कैसे आपके जहन में आया कि ऐसे कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट पर स्टोरी बन सकती है, कैसे जहन में आया, किसका आइडिया था? आइडिया था सुदीश कामत बोल के एक दोस्त थे जो पहले हिंदू पेपर में क्रिटिक था, फिल्म क्रिटिक, उसको ये आइडिया आया था. इनिशियली उसने सोचा था एक छोटा इंडिपेंडेंट फिल्म बनाएगा, फिर दृश्यम फिल्म्स केम ऑन बोर्ड एंड द फिल्म बिकेम बिगर एंड बिगर. हमने न्यूयॉर्क में प्रीमियर किया, फिर केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बहुत अच्छा उसको रिसेप्शन मिला. तो अब देखते हैं ऑडियंस क्या बोलता है. आपको कैसे अप्रोच किया गया फिल्म के लिए? सुदीश ने जस्ट फोन किया कि सुदीश ने मेरा पहली फिल्म, एक बंगाली फिल्म थी पांच अध्याय बोल के, जो जिसमें दिया मिर्जा थी, उस वो फिल्म मुंबई फिल्म फेस्टिवल में सुदीश ने देखा था, वो उसको बहुत अच्छा लगा था. तो जब वो एक 11 का टीम बना रहा था कौन कौन होगा इस प्रोजेक्ट में, ही कॉल्ड मी एंड सेड वी वुड लाइक यू टू मेक समथिंग लाइक पांच अध्याय, समथिंग प्योर, समथिंग रोमांटिक, और मुझे अप्रोच किया. मुझे अभिनव शिव तिवारी जी ने अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा विदिता तुम्हारे पास डेट्स है. मैंने कहा कितने दिन चाहिए, फिल्म बना रहे हैं ना, थोड़ा ज़्यादा नहीं चाहिए, 3-4 दिन ही चाहिए. मैंने कहा ये शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं क्या? नहीं, वी 11 फिल्म मेकर्स वी आर कमिंग टुगेदर, वी आर मेकिंग अ फिल्म. मैंने कहा मतलब 11 शॉर्ट स्टोरीज है क्या? नहीं, वन फिल्म. मैंने कहा 11 डायरेक्टर्स मिलकर वन फिल्म, तो ये तो मुझे करनी है. मतलब आई वॉज मोर क्यूरियस कि 11 डायरेक्टर एक साथ मिलकर एक फिल्म कैसे बना सकते हैं. इट्स मतलब मुझे तो इम्पॉसिबल लगा. आई वॉज मोर क्यूरियस इन द मतलब मेकिंग ऑफ द फिल्म की हाउ इज दैट पॉसिबल. आई थिंक द यूनिकनेस ऑफ द प्रोजेक्ट इज वॉट ड्रू एवरी वन. मैंने हुमा कुरेशी है, राधिका आप्टे है, स्वरा भास्कर है. आई थिंक वॉट ड्रू दम की 2-3 दिन 4 दिन का शूटिंग, उससे भी द बिगर पिक्चर, ये पूरा फिल्म उसे सबको इंटरेस्टिंग लगा एज अ एक्सपेरिमेंटल यूनिक प्रोजेक्ट. इंग्लिश में कहवत है कि टू मेनी कुक स्पॉइल द सूप. तो ऐसा कोई इंटरप्शन था इसमें? मतलब 11 डायरेक्टर्स हैं तो अपने अपने विजन भी होंगे उसमें. तो क्या उन लोग का विजन क्या था? कुछ इंटरप्ट करते थे जब फिल्म मेकिंग होने वाली थी तब? हम तो सब अलग शूट किए हैं, तो एक एक जगह में एक एक कुक ही था. तो सूप डिफरेंट था, अलग अलग डिशेस बनाए. हाँ, तो दुनिया के बहुत डिफरेंट जगह में ये सूप बना. हाँ, एक सेगमेंट कैलिफोर्निया में भी है जो संदीप मोहन ने बनाया है, एक सेगमेंट लंदन में है जो अनु मेनन ने बनाया है. सो चारों तरफ अलग अलग सूप बना. अब मिलके जो झोल बना है वो परोसने वाला एक है. हाँ, वो परोसने वाला है. दृश्यम इज रियली प्रेजेंटेड द एंटायर फिल्म इन अ बिग वे. तो देखते हैं सूप अच्छा लगता है कि नहीं, नया सूप है ये बोल सकते हैं. मैंने अभिनव शिव तिवारी के साथ काम किया. हालांकि मैं प्रतीम डी गुप्ता के साथ पहले भी काम करना चाहती थी, ये बहुत अच्छे क्रिटिक हैं, इनके रिव्यूज के मैं बहुत बड़ी फैन हूँ. पर और ये कैलकटा से भी हैं, तो बंगाली फिल्म डायरेक्टर्स के लिए मेरा एक है कि उनके साथ तो डेफिनेटली काम करना है मुझे. पर इस फिल्म ने और एक काम किया, मुझे अलग अलग डायरेक्टर्स के पास प्रोफाइल लेके नहीं जाना पड़ा. हम लोग कब से मिलने की कोशिश कर रहे थे और आज जाके फाइनली मिले इस फिल्म, थैंक्स टू दिस फिल्म, थैंक्स टू एक्स. अच्छा, अगर आपके किरदार की बात करें तो किस तरह का प्रिपरेशन किया था आपने किरदार को लेकर? सच बोलूं तो मुझे कुछ भी